अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं रिजवाना कुरैशी, आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो एक गुजराती रेसिपी है जिसका नाम है थेपला। तो ये नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। दरअसल ये रेसिपी मैं अपने बेटे की फरमाइश पे बना रही हूँ। वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहा है कि थेपला बनाओ, क्योंकि उसने अपने किसी फ्रेंड के यहाँ खाया था थेपला। मुझे काफ़ी दिनों से मेरा बेटा बोल रहा है थेपला बनाने पर, मैं उसे टाल रही हूँ। तो आज जब वो आएगा रात में और थेपले बने देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज़ देने वाली हूँ। क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहा था कि मैं थेपले बनाऊँ, तो आज मैं गर्मा गर्म और मसालेदार थेपले बनाने वाली हूँ। मैं जो थेपले बनाने वाली हूँ तो वो हम सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, और से भर के लिए एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में भी रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी थेपला। तो चलो देखते हैं। तो थेपला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें आटा ले ली हूँ। ये नॉर्मल जो हम गेहूँ का आटा लेते हैं ये वही आटा है। और मतलब पांच लोग थेपला बनाने के लिए इसमें थोड़ा बेसन का आटा भी मिलाते हैं, पर मैं नहीं मिलाऊंगी। मैं सिर्फ इसे गेहूं के आटे में बनाऊंगी। तो ये गेहूं का आटा है, मैंने इस नाप के हिसाब से 2.5 कप मैंने ली हूँ आटा। तो ये 1/4 किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा, समझ लो ये 300 ग्राम आटा होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इस आटे में थेपला बनाने के लिए जो जो मिक्स करूँगी वो है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये चुटकी भर हींग है, और ये 1 चम्मच तिल है। इसमें जीरा वगैरह भी डालते हैं पर मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये मिर्ची और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट बना ली हूँ मैंने। 5 मिर्ची है इसमें और 6 से 7 कली लहसुन है। आप चाहो तो मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकते हो, तो ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। तो देखिए ये मैं सारी चीज़ें आटे में ऐड कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें भी मैं ऐड कर दूंगी आटे में, ये देखिए। इसके अलावा ये मेथी है जो थेपले में डलती है। थेपले की मेन चीज़ है ये मेथी, जो मैंने 2 मुट्ठी ली हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो ली हूँ। इसका पानी निथरने के लिए मैंने इसे इस तरह छन्नी में रखी थी, ये सूख चुकी है। तो अब मैं इसे बारीक बारीक काट कर आटे में ऐड करूँगी, ठीक है। जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काटेंगे, ठीक है। ये देखिए ये सारी मेथी मैंने काट ली हूँ इस तरह से बारीक बारीक। अब मैं इसे इस आटे में ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच तेल डालूंगी इस आटे में, क्योंकि तेल डालने से आटा सॉफ्ट गूंदा जाता है। तो इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच तेल डालूंगी गूंदने के टाइम। 1 गिलास पानी से मैं इसे थोड़ा थोड़ा, पहले मैं हर चीज़ इसमें मिला दूं अच्छी तरह से, ये देखिए पहले हर चीज़ मैं इसमें मिला दूंगी अच्छी तरह से, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूंद लूंगी। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला दी हूँ अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे का सॉफ्ट डो बना लूँगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम रोटी का बनाते हैं। तो ये देखिए ये मेरा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और फिर इसे एक और बार मुट्ठी मारूंगी, क्योंकि उससे और अच्छा सॉफ्ट हो जाता है आटा। तो ये देखिए मैं इसे एक बार और मुट्ठी मारूंगी, तो ये थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा आटा। अच्छा, थेपले बनाने में दही भी डाला जाता है,
पर मैंने नहीं डाली हूँ क्योंकि ये बिना दही के थेपले बने हुए हम एक हफ्ते तक रख के खा सकते हैं। इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर हम फ्रिज में रख दें या सफ़र में जा रहे हो तो ट्रेन के सफ़र में भी इसे लेके जा सकते हैं, इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये जल्दी जल्दी बनाऊं क्योंकि मेरा बेटा थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये देखिए अभी थोड़ा टाइम है उसे आने, ये देखिए इसे मैं थोड़ा ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए मैं इसे इस तरह से ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो इतना आटा गूंदने में मुझे एक गिलास से भी कम पानी लगा, ये एक गिलास पानी ली थी उसमें से भी इतना बच गया है। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, आटा भी अच्छे से रेडी हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे इस तरह से करके इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं या पराठा बेलते हैं, हमें उस तरह से नहीं लेना है क्योंकि ये थेपले बहुत पतले पतले होते हैं, तो हमें बहुत छोटे पेड़े लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से होने चाहिए, इतने छोटे। ठीक है, तो मैं सब इसी तरह से कर लूँगी, तो देखते हैं इस आटे में कितने थेपले बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे थेपले मैंने इस तरह से पेड़े बना ली हूँ थेपले बनाने के लिए, तो ये 15 थेपले बनेंगे इसमें। ठीक है, तो अब मैं इसे इस तरह से आटे में डिप करके बेल लूँगी, इसे हमें बहुत पतला बेलना है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसे बेल ली हूँ, तो ये सारे भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी, पहले मैं एक साथ बेल लूँगी सब, फिर एक साथ सेकूँगी। ठीक है, तो ये देखिए सारे थेपले मैंने एक साथ बेल ली हूँ, ये देखिए ये तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, तो इस तवे को मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से, और अब मैं इस पर एक एक थेपला डाल के सेकते जाऊंगी इस तरह से। ये देखिए हमें थेपले को ज़्यादा नहीं सेकना, हल्का हल्का सा सेकना है। देखिए ये एक तरफ से इस तरह से हो गया है, तो मैं इसे पलटा दूंगी, एक तरफ इसमें थोड़ा ऑयल डालूंगी, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसे पलट दूंगी मैं और हल्के हाथ से सेकूंगी, हमें ज़्यादा दबा दबा के नहीं सेकना है वरना ये थेपले कड़क हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये एक तरफ से हो चुका है, तो हमें इसके दूसरे साइड पे भी ऑयल लगा देना है इस तरह से। ये देखिए हमें इसे दूसरे साइड पे भी ऑयल लगा दी हूँ मैंने, ये कितने अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या बताऊँ मैं आपको, तो ये देखिए इतने अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो इस रोटी के डब्बे में मैंने कपड़ा बिछा दी हूँ और अब एक एक करके मैं सारे थेपले सेक लूँगी इसी तरह से। ठीक है, तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं सारे थेपले, मैंने सेक ली हूँ, ये कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम बहुत अच्छे बने हैं ये थेपले। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं मेरे सारे थेपले, ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल विद ब्लॉग को।
बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूले ताकि मेरी सबसे पहले रेसिपी आप तक पहुंचे। आज मेरा बेटा आकर ये थेपले देखकर बहुत खुश हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को खाके बताती हूँ। बहुत टेस्टी बने हैं, आप भी मेरी तरह से ज़रूर बनाए और खाए, ये बहुत टेस्टी होते थे। अभी आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ बोलने का वक्त आ चुका है। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी या एक नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।